वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार। यूपी और एमपी की सियासत में ये दो वीडियो इन दिनों खूब सुर्खियों में। पहले में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी गाड़ी में बैठे हैं और वहां के सीएम पैदल सड़क पर चल रहे हैं। ये वीडियो सुल्तानपुर का है, जब पीएम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करने के लिए वहां पहुंचे थे। अब ये दूसरा वीडियो देख लीजिए, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है। यहां भी पीएम मोदी के साथ सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान चल रहे हैं, लेकिन तभी अचानक उनको कोई रोक देता है। विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बनाकर पीएम को अहंकारी और सीएम का अपमान करने वाला साबित करने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के वीडियो को हाथों हाथ लेते हुए विपक्षी दलों ने ट्वीट कर इस पर सवाल दागे। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने लिखा, तुमने हमारी आवभगत का अच्छा सिला दिया, जनता से पहले तुमने ही हमें पैदल कर दिया, बड़े बेआबरू होकर इन सड़कों पर हम गुजरे। अखिलेश यादव यहां थोड़े शायराना हो गए। तो वही आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि पहला सीन मध्य प्रदेश के 17 साल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का घोर अपमान, दूसरा सीन 24 करोड़ की आबादी वाले देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के सीएम योगी जी को पैदल कर दिया। मोदी जी का नारा है, नो बकवास ओनली छपास। इधर शिवराज और मोदी के वीडियो पर एमपी कांग्रेस ने भी ट्वीट कर सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री के साथ ये व्यवहार उचित है। अब सवाल ये कि क्या विपक्ष के सीएम के अपमान के ये दावे सच है? क्या वाकई में सीएम योगी और शिवराज सिंह चौहान का पीएम मोदी की ओर से अपमान किया गया है? तो इन वीडियो का सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी इन वीडियो को विपक्ष की हताशा बता रही है। एमपी बीजेपी ने तो इसको लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए इसे कांग्रेस की बेशर्मी टक करार दे दिया है। सबसे पहले वीडियो की बात करें तो सीएम योगी पीएम मोदी की गाड़ी के पीछे पैदल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वे प्रोटोकॉल के तहत पीएम मोदी की आगवानी करने के लिए वहां मौजूद थे। पैदल चलने वालों में वे अकेले नहीं थे। पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी दोनों ही मोदी की आगवानी के लिए खड़े हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही पीएम मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं उनका वे स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल पर सीएम योगी पहले ही पहुंच गए थे और उन्होंने अपनी गाड़ी पीएम मोदी की गाड़ी के पीछे ही रोक दी थी। इसके बाद वे वहां से उतरकर पीएम को रिसीव करने पैदल आगवानी स्थल तक पहुंचते हैं। ये प्रोटोकॉल भी है कि सीएम पीएम की आगवानी करते हैं, ये उसी के तहत हुआ, इसलिए योगी के अपमान के आरोप बेबुनियाद ही लगते हैं और राजनीति से प्रेरित लगते हैं। अब आते हैं दूसरे वीडियो पर। तो इस मामले में जो आरोप है कि पीएम के सुरक्षा कर्मी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को रोका क्योंकि वो मोदी के आगे चल रहे थे, तो ये आरोप भी महज राजनीति से प्रेरित लगते हैं, क्योंकि जिस शख्स ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को रोका वो पीएम मोदी के सुरक्षाकर्मी नहीं बल्कि जिले के कलेक्टर लवानिया साहब। इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के दावे को गलत बताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सोशल मीडिया में वायरल हो रही बात कि माननीय प्रधानमंत्री जी के भोपाल दौरे में सुरक्षा अधिकारी की ओर से माननीय सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान को रोका गया, इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूं। वास्तविकता में मेरे द्वारा कार्यक्रम संबंधी महत्वपूर्ण संदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया गया, जिसे उन्होंने रुककर सुना और तुरंत ही आगे बढ़ गए। तो कुल जमा बात है कि सीएम के अपमान के आरोप महज राजनीति है और उसके साथ किए जा रहे दावे झूठे हैं। तो इसलिए आपके पास भी इस तरह के अगर कोई वीडियो आए हो तो जवाब में आप उन्हें ये वीडियो भेज सकते हैं और बता सकते हैं कि ये इसमें सच्चाई नहीं है, ये महज राजनीति से प्रेरित है। खबर अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।